हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प जे एंड स्टूडेंट्स। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर ने जो जॉब पोस्ट निकाला है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो प्रोफेशनल ऑफिसर्स के लिए। हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अन अकेडमी पर वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद वहाँ आपको ऊपर सर्च बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ आपको मेरा नाम टाइप करना है, मोहम्मद इरफानून। मेरा नाम टाइप करने के बाद वहाँ पर आपको मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाने के बाद आपको फॉलो बटन पे क्लिक करना है। फॉलो बटन पे क्लिक करने के बाद आप मुझे फॉलो करोगे। फॉलो से आपके ये बेनिफिट्स होंगे कि आप मेरे कोर्स वहाँ पे जो मैंने डाले हैं, वो लेसन डाले वो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। और वहाँ पे मैंने जीएसपी के सुपरवाइज के लिए एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट क्वेश्चन मैंने कुछ डाले हैं, वो आप देख लीजिए, आपको इनसे बेनिफिट मिल जाएगा। और मैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मैं लेसनल कोर्सेज वहाँ पे डालने वाला हूँ सिलेबस के हिसाब से। और मैंने वहाँ पे हर रोज करंट अफेयर सीरीज डालता रहता हूँ, और जेकेपीएससी के लिए जो भी एस्पिरेंट से प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे मैं कोर्स लेसन डालता रहता हूँ। आप वहाँ पे जाए और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ गाइज, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो प्रोफेशनल ऑफिसर्स के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने पोस्ट निकाला है जॉब पोस्ट के लिए। इसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है पहले से 20 अक्टूबर 2018 को, और जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर 2018 को। हाँ, मैं आप पहले जो अप्लाई करने से पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके पास होना चाहिए स्कैनेड फोटोग्राफ होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, वो स्कैनेड होना चाहिए, और जो आप सिग्नेचर करोगे वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, और आपके पास एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखनी है, जो कि ये डिक्लेरेशन लिखनी है आई डैश नेम आपको अपना लिखना है। आई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्टेड ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखनी है, ये आपके पास हो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। और आपका इसकी फ़ी है 1,000 रुपये, जो जनरल कैटेगरी के और जो शेड्यूल कास्ट और अदर्स है इनके लिए 800 रुपीज़ है। अब मैं आपको बता आपका इससे फॉर्म भर सकते हो। पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ये जो कि ये वेबसाइट जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल ऑफिसर। वहाँ पे आपको ये डिटेल्स शो होंगे कि आप फॉर्म कब से भर सकते हो, क्या है लास्ट डेट, सब इसमें होगा यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स लिखनी है, फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम कन्फर्म करना है, मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम कन्फर्म करना है, लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम कन्फर्म, वहाँ पे फिर आपका पूरा नेम आ जाएगा। और फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और वो कन्फर्म करना है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, फिर कन्फर्म करना है, फिर सिक्योरिटी कोड लिखना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपको दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वो आप मैं बताऊंगा। वो आपको फिर यहाँ पे पासवर्ड एंड यूजर नेम बताएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो मैंने हिडन किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको सेव रखना है, जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा। फिर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ स्कैन जो है वो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स शो होंगे कि आप कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है क्या है, वो आपको टिक करना है। एक्स सर्विस मैन हो, अगर हाँ हो तो येस, और लिखना है पीरियड कितने ईयर्स तक आपने सर्विस की है। फिर आपको रिलीजन, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप अगर माइनॉरिटी हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो कर सकते हो। अगर आप परमानेंट जम्मू एंड कश्मीर, ये तो ऑब्वियसली आप हो ही, आपको यहाँ पे यस करना है इंडियन एयरलाइन से। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिवीजन है। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपको यहाँ पे एग्जाम प्रेफरेंस रखनी है, 6 प्रेफरेंस एग्जाम सेंटर। यहाँ पे पहले आपको जो आप लिखोगे बारामूला लिखो, जो भी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको दूसरा जो आपको नज़दीक पड़ता है, फिर आपको तीसरा, फिर आपको फोर्थ, फिर आपको सिक्स्थ एग्जाम प्रेफरेंस रखनी है, फिर आपको सिक्स्थ, ये आपको सभी रखनी, ये सभी ज़रूरी है। फिर ये रखने के बाद फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे सबमिट करोगे। फिर आपको यहाँ पे जेंडर लिखेगा, जो आप जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, वो आपको अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपको आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, फिर मदर्स नेम लिखना है, या आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है।
फिर आपको मदर्स नेम लिखना है, फिर आपको अगर आपकी शादी है वहाँ पे आपको अपनी स्पोज का नाम लिखना है, और जो एड्रेस होगा वो वहाँ पे आपको लिखना है। कॉर्पोरेट जो सेकेंड एड्रेस वो ज़रूरी नहीं है, ये आप लिख भी सकते हो अगर आपके पास। फिर आपको लिखना है स्टेट कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर ओबियसली, और फिर जहाँ पे आप जो आपका एड्रेस होगा, फिर आपको सेम एज करना है यहाँ पे, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका सेम एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको ज़रूरी लिखना है यहाँ पे, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वन एरर दिखा रहा है, आपको वहाँ पे एरर दिखाएगा जो एरर होगा। आपको कम से कम 3 सेंटर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से और 3 सेंटर्स आउट ऑफ स्टेट से रखने हैं। मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं और आउट ऑफ स्टेट से 3 रखने हैं, ठीक है। फिर आप सेव एंड जो नेक्स्ट करोगे, फिर आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लिखनी है, कब आपने ग्रेजुएशन किया है, अदर्स में जो आपने किया होगा, जो भी आपने किया है, मैं लिखूंगा बीटेक सिविल। जो आपकी कब आपका रिजल्ट आया है वो आपको मार्क्स कार्ड पे मिलेगा, वो आपको यहाँ पे फिर लिखना है। जो आपकी परसेंटेज होगी वो होगी, जो होगी आपकी परसेंटेज, जो आपको डिवीजन लिखना है कौन सी डिवीजन है। फिर आपको नीचे लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। स्पीक रीड करते हो, राइट करते हो या स्पीक, या आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। फिर आपको यहाँ पे वैलिड डिटेल्स आप कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आई कन्फर्म जो होगा आपका फोटोग्राफ, फिर यहाँ पे कन्फर्म करना है सिग्नेचर, आई एग्री ये यहाँ पे करना है। फिर आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है यहाँ पे, और श्योर यू नो चेंज एडिट यहाँ पे फिर नहीं होगा, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपने लिखी है वो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपको लास्ट में पेमेंट करना है, आप ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हो। हाँ गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन आपको कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो प्रोविजनल ऑफिसर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर जो जॉब पोस्ट निकल रहे। हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर खराब लगा डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ गाइस, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हेलो जैन के स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।